हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल इनकी नाम पाक टेन सीबीएसई मैथ्स चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स एग्जांपल्स 8 एंड 9 एग्जांपल 8 पेज नंबर 34 डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन अल्गोरिदम अब नाम वो डिसेंडिंग ऑर्डर रीअरेंज पड़ी एल्कल अब एक्स क्यूब अल्दपर अब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इधर डिवाइड पड़ा अद्वीं डिसेंडिंग ऑर्डर ना वो अरेंज पड़ी करें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इत पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल डिवाइड पड़ चल इो डिड पड़ोना मोदे फर्स्ट टर्म इस्ट टर्म डिवाइड पड़नों अक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अत माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैनसल आर एक्स कैनसल आरफोर वह एक्सा वो अब अक्सा फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सा इत फ्ले पड़ी इंतजन मल्टिप्ले पड़ेन माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इो सिल मतना मैनसा प्लसा मार प्लसा मैनसा मार इं प्लसा मार इड़े बैलेंस वो वो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव बैलेंस फाइव ना इकटे इो नेक्स्ट फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड पड़ो इं फर्स्ट टर्म टू एक्स स्क्वायर इं फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर अब कैनसल पड़ेना माइनस टू कईनस टू दाड सेकंड टर्म ऑफ क्वेश्चन इोना इत माइनस टूव इत होल डिवाइजर मल्टिप्ले पड़ी इंतपर अभी मल्टिप्ले पड़ेना माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर वो प्लस टू एक्स स्क्वायर मारेमारी इतना मल्टिप्ले पड़ना माइनस टू एक्स अत मल्टिप्ले पड़ेना प्लस टू आज सिंप्लीफ पड़े मोदी सिंपल चेंज पड़े अब सिंप्लीफ पड़नों अब इत कैनसल आदम कैनसल आलेंस त्री दरफोर इतो रिमाइंडर इतो क्वेश्चन इतो डिवाइजर क्वेश्चन ना चलना फर्स्ट वो डिवाइड द पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द डिवीजन अल्गोरिदम नम्बर डिवीजन अल्गोरिदम वेरीफाई पड़नों डिवीजन अल्गोरिदम डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड इतना वो डिवीजन अल्गोरिदम ना इत लेफ्ट हैंड साइड एडुत्तिरुक्केन इदु राइट हैंड साइड इप्पो नम्म लेफ्ट हैंड साइड एडुत्तुक्किट्टोम्ना इन्नोड राइट हैंड साइड किडैक्कुम राइट हैंड साइड दैट डिविडेंडुंगिरदु नम्मलोड ओरिजिनल पॉलिनोमियल दैट डिविडेंड इदु इन्नोड डिवाइजर इदु इन्नोड क्वेश्चन इदु इन्नोड रिमाइंडर फर्स्ट LHS एडुत्तुक्किरेन डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइजर वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अत क्वेश्चन वो एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर इो फर्स्ट इत रेम सिंप्लीफाई पड़ो फर्स्ट वो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अत एक्स इंटू एक्स अत माइनस 1 इंटू एक्स अदार माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 अ सिंप्लीफाई पड़ेना माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 2 इं बैलेंस प्लस 3 वं इो सिंप्लीफाई पड़ेना माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर आड़त वो माइनस एक्स माइनस टू एक्स वो माइनस थ्री एक्स टू प्लस थ्री फाइव इत वो RHS RHS इतना इतना इन डिविडेंट दैटफोर इन डिविशन अल्गोरिदम ना वेरीफाई पड़िटे ना LHS RHS को नेक्स्ट एग्जांपल 9 फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट 2 एंड माइनस रूट 2 இப்போ இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இந்த பாலினோமியலோட எல்லா ஜீரோஸையும் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அதுல ரெண்டு ஜீரோஸ் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க ரூட் 2 மைனஸ் ரூட் 2 இப்போ ரெண்டு ஜீரோஸ் கொடுத்தனால ஆல்பா அண்ட் பீட்டா ஆர் தி ஜீரோஸ் னு எடுத்துக்கிறேன் அப்ப ஆல்பா ஈக்குவல் டு ரூட் 2 னு ஒரு ஜீரோவும் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் 2 னு எடுத்துக்கிறேன் ஜெனரலா வந்து ரூட்டோட ஃபார்மேஷன் அதாவது எப்படி இருக்கும்னா x மைனஸ் ஆல்பா இப்படி தான் வந்து எழுதுவோம் x மைனஸ் பீட்டா இப்படி எழுதுவோம் இப்போ கொண்டு போய் ஆல்பாவும் பீட்டாவும் இதல போடுறேன் अब एक्स माइनस रूट टू ऑलरेडी बीटा एलोद इंर माइनस इधर बीटा वो माइनसा अब माइनस इंटू माइनस प्लस आक्स प्लस रूट टून वो
இப்போ இத பார்த்தா a minus b a plus b format இருக்கு a minus b into a plus b வந்து a square minus b square அப்போ x square minus root 2 the whole square நேருதுவோம் இது simplify பண்ணா x square minus 2 root 2 the whole square வந்து 2 வாய்டும் இப்போ இந்த x square minus 2 உங்குரத்தான் என்னோட factor எதுக்கு நான் நம்ம குடுத்திருக்க polynomialோட factor வந்து இதுதான் இப்போ இந்த குடுத்திருக்க polynomial இந்த factor வச்சுதான் இப்போ divide பண்ணப் போரும் Therefore, now divide 2x power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 by x square minus 2. நம்ம கண்டுபிடிச்ச factor வெச்சு நான் divide பண்ணப் போறேன். அப்போ, மதல வந்து first term, இந்த first termால் divide பண்ணேன். அப்போ, 2x power 4 divided by x square இருக்கு. அப்போ, இங்க 2x போயிடுச்சு நான் மீதி 2x square balance இருக்கும். இப்போ, அதுதான் என்னோட first quotient. இப்போ, இந்த 2x square வந்து இந்த whole divisor ஆல் multiply பண்ணி இங்க எழுதுனும். அப்போம் multiply பண்ணினா என்ன வருண்ணா 2x power 4 into இது இது into பண்ணனும் அப்போம் 2x square minus 2 என்ன வருண்ணா அப்போம் minus 4x square கெடக்கியும் இப்போம் நான் இல்லாத termக்கு நான் 0 சேத்துக்கிறேன் இப்போம் மதல simplify பண்ணும் நான் symbol change பண்ணிக்கினும் symbol change பண்ணா first term cancel ஐடும் balance உல்ல 3x cube இத பண்ணினா plus x square balance உல்ல 6x minus 2 அப்படே வந்துரும் இப்போ next இந்த first term இந்த first termால் divide பண்ணும் அப்போ இந்த first term வந்து 3x cube divided by x square cancel பண்ணேனா எனக்கு வந்து 3x கேடக்கியும் 3x தானோட second term of quotient அப்போ இங்க 3x இப்போ இந்த minus 3x இந்த whole divisor ஆல multiply பண்ணி எழுதப் போறேன் இப்போ multiply பண்ணி எழுதுனேனா minus 3x cube plus 6x வரும் அதே மாறி வராத termக்கு நான் 0 சேத்துக்கப் போறேன் symbol change பண்ணிட்டு cancel பண்ணேனா இதும் cancel ஆயிடு இதும் cancel ஆயிடு அப்பா balance இருக்கது x square minus 2 தான் இருக்கும் அதே மறி இதலவுள்ள first term மறுப்டியும் இதலவுள்ள first term அல்ல divide பண்ணேனா x square by x square கெடக்கியும் cancel பண்ணேனா plus 1 அப்போ plus 1 தான் another quotient இப்போ இந்த plus 1 நால் இது multiply பண்ணேனா எனக்கு x square minus 2 கெடக்கியும் மறுப்டியும் நான் symbol change பண்ணேனா எனக்கு எல்லாமே cancel ஆயி reminder வந்து 0 கெடக்கியும் அப்போ, reminder 0 வந்தது கப்பிறோம் நம்ம என்னன்ன கண்டுபிடுச்சிருக்கும் 2x power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 கு இதி இதி into பண்ணாதாது divisor into quotient plus reminder இங்க 0 வா இருக்கிறனால போட்டால் உண்டுதான் போடாட்டி உண்டுதான் இது division algorithm வச்சு எழுதிருக்கேன் இப்போ, already இதுக்கு தெரி already root வந்து குடுத்துட்டான் root 2 and minus root 2 இப்போ இன்ன 2 root இதில்லந்து வரும் அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கப் போரும் இது ஒரு quadratic equation அப்போ எனக்கு வந்து 2 roots கெடக்கியும் இப்போ 2x square minus 3x plus 1 இது வந்து factorize பண்ணி roots கண்டுபிடிக்கப் போரும் factorization methodல அப்போ வந்து product பண்ணா எனக்கு 2 into 1 2 கெடக்கியும் sum பண்ணேனா எனக்கு minus 3 கெடக்கியும் அப்போ minus 2 into minus 1 எடுத்தேனாதா இப்போ 2 வால நாம் multiply பண்ணி என்னுடு product எடுத்தனால் அதே 2 வால divide பண்ணிருக்கேன் வந்த rootsல அப்போ minus 2 by 2 minus 1 by 2 கடைக்கியும் 2 in 2 in cancel பண்ணேனா minus 1 அப்போ இன்னும் root வந்து minus 1 by 2 அப்போ இது எப்படி எடுதலாம் x minus 1 into x minus 1 by 2 அப்போ x ஓட roots என்ன கடைக்கியும்னா 1, 1 by 2 therefore already அவங்க வந்து 2 root குடுத்திருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடு Thank you friends, என்னுடன் வீடியோ உங்களுக்கு புடுச்சுந்தத்து நான் மறக்காம் சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்கள்.